आप सभी दोस्तों का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका साथी रमेश सोनी आज एक बार फिर आपके बीच में एक अहम मुद्दे के साथ आया हूँ। कोरोना संकट में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की सभी राशन की दुकानों पर डबल राशन वितरण होना है, वो भी फ्री। एक दिल्ली सरकार का जो रेगुलर राशन आता था, वो एक केंद्र सरकार ने जो आम जनता के लिए कोरोना संकट को देखते हुए फ्री राशन की प्रणाली शुरू की 2 महीने के लिए, एक वह मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री महोदय रोज अखबारों में आकर सुर्खियां बटोर रहे हैं और विभाग को निर्देश दे रहे हैं कि दुकानों की चेकिंग की जाए और जो दुकानें बंद पाई जाएं उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। मंत्री महोदय जी, क्यों ड्रामे कर रहे हैं जब आप स्वयं किसी क्षेत्र में विजिट करने जाते हैं और उस क्षेत्र के संबंधित सहायक आयुक्त यानी खाद्य आपूर्ति विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर उस जोन के जिस क्षेत्र में आप विजिट करने जाते हैं, वह पहले ही उनके कार्यालय से पहले ही उस क्षेत्र के दुकानदारों को फोन कर दिया जाता है कि आपके क्षेत्र में मंत्री महोदय विजिट पर आ रहे हैं, सावधान हो जाए। कुछ सरकारी कार्यालयों से भी दुकानदारों को इतला दे दी जाती है कि आप सावधान हो जाएं, आज मंत्री की विजिट है। मंत्री महोदय जी, कई दिन से लगातार आप अखबारों में प्रेस नोट जारी करके समाचार तो भेज देते हैं, इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, यदि आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप अपने एसी कार्यालय से बाहर निकलें और क्षेत्रों में आकर देखें। मैं दिखाऊंगा आपको राशन की दुकानें बंद। मैं सुबह 10 बजे राशन की दुकानें खुलती हैं और 1 बजे बंद हो जाती हैं। शाम के टाइम कोई राशन की दुकान नहीं खुलती और लोग धड़ल्ले से गेहूं के बदले में आटा और चावल के बदले में चीनी जबरदस्ती थोप रहे हैं। कुछ दुकानदार तो ऐसे हैं जो लोगों को चावल ही नहीं दे रहे, ये कह रहे आया ही नहीं है, गेहूं ले जाओ। मंत्री महोदय जी, आपकी कार्य प्रणाली पर मैं सवाल उठाऊं या ना उठाऊं, जनता सवाल उठाती है। आपने 2017 में एक दो सर्कलों में औचित्य निरीक्षण किया था, यानी कि अचानक बगैर बताए आप उन दुकानों पर पहुंच गए थे। उन दुकानों में बड़ी भारी अनियमितताएं थी, बड़ी भारी कमी थी। उन कमियों को चलते हुए आपने उन दुकानों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करवा दिया था। अगर आपको याद ना आया हो तो मंत्री महोदय जी, मैं आपको याद दिला सकता हूं, आपने तत्काल प्रभाव से उन दुकानों को सस्पेंड करवा दिया था। और 2-3 महीने बाद डिपार्टमेंट ने उन सारी कमियों को पिछले दरवाजे से पूरा कर दिया और उन दुकानों को दोबारा चालू कर दिया। इसे कहते हैं सेटिंग राज। 2020 में कोरोना काल में भी आपने एक दो दुकानों पर, जहां तक मुझे जानकारी है, एक दो दुकानों पर आपने विजिट की, औचित्य निरीक्षण किया
और उनमें भी कमियां पाई गई। स्टॉक पूरा नहीं था, बैलेंस नहीं था, किसी दुकान में चावल नहीं थे, किसी में गेहूं नहीं थे, सेल चढ़ी हुई नहीं थी, कैश मीमो कटी हुई नहीं थी, सेल और स्टॉक रजिस्टर कंप्लीट नहीं थे। मैं आपके दौरे के दौरान की बात बता रहा हूं। आपने उन दुकानों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश दे दिए और विधायक के विभाग के अफसरों ने तुरंत दुम दुला हिलाते हुए उन दुकानों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन मुझे बड़ी हंसी आती है कि जब उन दुकानों का रिकॉर्ड पूरा नहीं था, उनका स्टॉक पूरा नहीं था जो उनके रिकॉर्ड से मैच कर रहा था, उनके दुकानों में स्टॉक बचा हुआ राशन नहीं था, फिर विभाग ने उन दुकानों को पुनः कैसे बहाल किया? इसे कहते हैं सेटिंग राज। आप जो रोज अखबारों में समाचार देकर प्रेस नोट जारी कर प्रेस रिलीज जारी कर जो स्वयं की पीठ आप खुद ही थपथपा रहे हैं, उससे दुकानदारों का भला नहीं हो रहा, उससे आम जनता का भला नहीं हो रहा, उससे विभाग का भला हो रहा है। आप विभाग को कमाने का मौका दे रहे हैं, विभाग के ये अधिकारी इन दुकानदारों को डर दिखाकर इनसे पैसे कमा रहे हैं। आप यदि, मैं दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री से कह रहा हूं, आप यदि रियल में चाहते हैं कि पूरा राशन वितरित हो, दुकानें नियमित खुले, तो आप सड़कों पर आइए, गलियों में जाइए, कॉलोनियों में जाइए, जो राशन की दुकान है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये रमेश सोनी आपको चैलेंज करके कहता है कि आपको 3 बजे के बाद राशन की दुकानें बंद मिलेंगी, एक भी दुकानें खुली नहीं मिलेंगी। मेरी विधानसभा में, जिस विधानसभा का मैं एक छोटा सा नागरिक हूँ, विकासपुरी विधानसभा में 3 बजे के बाद मंत्री महोदय एक भी दुकान नहीं खुलती। आपकी ही पार्टी के विधायक है हमारी विधानसभा से, जिनके पास इस तरह की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं कि राशन पूरा नहीं मिलता, राशन कम मिलता है या दुकानें नहीं खुलती। ऐसी शिकायतें उनके पास अक्सर आती रहती हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके पास शिकायतें आती है, ये बात आपकी पार्टी के विधायक स्वयं कह रहे हैं कि उनके पास शिकायतें आती है। फेसबुक पे आप अपने विधायक का फेसबुक अकाउंट देखिए, उन्होंने लिख रखा है कि राशन की दुकानों पर दुकानदारों द्वारा राशन ना दिए जाने पर दुकानों पर पहुंचकर जांच की और पाया कि दुकानदार पूरा राशन नहीं दे रहा है। उसके बाद आपके विधायक जी हर बार उनको चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। मंत्री महोदय जी सुर्खियां ना बटोरें, आम जनता के साथ खिलवाड़ है ये जो आप कर रहे हैं। आम जनता को अभी तक 1 महीने का राशन मिला है, अभी दूसरा नहीं मिला है। मैं आपको साबित करके दिखाता हूं कि क्षेत्र की दुकानें बंद हैं, अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो। मैं आपको दिखाता हूं कि दिल्ली में कितने बोगस कार्ड आज भी जिंदा है, जो आज भी चल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि एक कार्ड में कार्डधारी को 4 लोगों का राशन मिलता है, लेकिन उसके कार्ड में 8 लोग हैं। नजफगढ़ में एक ऐसी दुकान है मंत्री महोदय जी, जिसपे 100-150 बोगस कार्ड आज भी चल रहे हैं। 2018 में जब ईपोस मशीन लगाई गई थी, उस टाइम कुछ कार्ड बंद हो गए थे, जो लोग राशन लेने नहीं आए थे। यानी कि अगर 100 लोग राशन लेने नहीं आए तो उनमें से 10-5 लोगों ने भाग दौड़ करके अपने कार्ड पुनः चालू करा लिए कि किसी कारण वो राशन लेने नहीं आए, लेकिन 90 कार्ड बोगस थे जो बंद हो गए थे, जो DGRO की परमिशन से दोबारा चालू होने थे।
विदाउट DGRO की परमिशन के आपके विभाग ने राशन कार्ड चालू किए, इसका खुला उदाहरण है आपके डिपार्टमेंटों में। आइए मैं आपको दिखाऊंगा, और पहली बार ही नहीं, इससे पहले भी मैंने आपको कई मेल भेज रखी हैं। आपके मुख्यमंत्री महोदय अरविंद केजरीवाल जी को मैंने मेल भेज रखी हैं, मैंने खाद्य आपूर्ति विभाग कमिश्नर को मेल भेज रखी हैं, मैंने विजिलेंस कमेटी को मेल भेज रखी हैं, मैंने ज्वाइंट कमिश्नर को मेल भेज रखी है, मैंने आपके असिस्टेंट कमिश्नरों को मेल भेज रखी है कि इस तरह की धांधली आपके डिपार्टमेंट में हो रही है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट के कानों पर जू तक नहीं रेंगती और आप सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे रहे हैं। मंत्री महोदय जी, मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूं, आप आइए उत्तम नगर विधानसभा में, आपकी पार्टी का विधायक है, आप आइए विकासपुरी में, विकासपुरी विधानसभा में आपकी पार्टी का विधायक है, आप आइए नांगलोई में, नांगलोई विधानसभा सर्कल 11 मुंडका, सॉरी सर्कल 11, आपकी पार्टी का विधायक है, आप आइए मुंडका में, आपकी पार्टी का विधायक है, आप आइए नजफगढ़, आपकी पार्टी का विधायक है, आप आइए मटियाला, आपकी पार्टी का विधायक है, आप आइए द्वारका, आपकी पार्टी का विधायक है। मैं आपको इन 5-6 विधानसभाओं में खुला निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप आइए, मैं आपको दुकानें बंद दिखाऊंगा, आप आइए, मैं आपको दुकानों में कमियां दिखाऊंगा कि किस तरह किन किन कमियों के कारण ये दुकानें चल रही हैं, लेकिन पता नहीं कारण क्या है, आप और आपका विभाग कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहता। सरकार ने जो आत्मनिर्भर का राशन दिया था वो आम जनता में बटा ही नहीं, उस पूरे राशन को खा गए लोग, कुछ एक लोग खा गए, कुछ एक पे आया था वो खा गए उसको। सर्कल 31 में विकासपुरी विधानसभा में बहुत बड़ी मात्रा में आत्मनिर्भर राशन की कालाबाजारी हुई। अगर आप वाकई कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप जांच कराइए उसकी, आप विभाग को आदेश दीजिए कि आत्मनिर्भर की जांच हो, आप कराइए विकासपुरी में आत्मनिर्भर की जांच, आप कराइए उत्तम नगर में, आप कराइए नांगलोई में, आप कराइए मुंडका में, आप कराइए नजफगढ़ में, आप कराइए द्वारका में, मटियाला में, आप कराइए बवाना और नरेला में, आपकी आंखों के सामने से पर्दे हट जाएंगे मंत्री महोदय जी कि आत्मनिर्भर के चक्कर में कितना मोटा खेल खेला गया। आम पब्लिक को नहीं मिला आपका आत्मनिर्भर का राशन। मेरा आपसे आग्रह है मंत्री महोदय जी, किस कोरोना में आप केवल उचित एक्शन लें ये ना कहें, जो दुकानें बंद पाई जाती हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, कोई सस्पेंड नहीं, कोई कुछ नहीं, उनको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, क्योंकि कोरोना में जब आपके आदेश है कि साप्ताहिक अवकाश भी नहीं है, सरकारी आदेश है कि साप्ताहिक अवकाश भी नहीं है, नियमित दुकानें खुलनी चाहिए। दुकान पर ग्राहक कोई आ रहा है या नहीं आ रहा मतलब ये नहीं है, मतलब है कि 9-10 बजे से लेके 1 बजे तक और 3 बजे से लेके 7 बजे तक नियमित दुकानें खुलनी चाहिए, लेकिन महज 3 घंटे दुकान खोलकर की तीसरी हो जाती है। इसलिए सख्त एक्शन लें, उचित कार्रवाई करें, और साथ ही मैं दुकानदार भाइयों को गलत नहीं कह रहा हूं, सबको मैं अभी फिर कह देता हूं, साथ ही मैं आपसे भी मांग करता हूं मंत्री महोदय जी कि जो लोग ये राशन बांट रहे हैं इनकी और इनके परिवारों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, क्योंकि हजार हजार लोगों को राशन बांट रहे हैं, ये भी इंसान है, ये भी मानव है, इन्हें सैनिटाइज, इन्हें ग्लव्स, इन्हें PPE किट मुहैया कराना आपकी सरकार का दायित्व तो है, क्योंकि इस कोरोना संकट में ये भी अपनी जान पर खेलकर राशन वितरण कर रहे हैं। हमारे सर्कल 31 में इस कोरोना से लड़ते हुए एक दुकानदार भाई चला गया,
उनकी धर्मपत्नी भी चली गई। मैंने सुना है कि पालम साइड में भी किसी सर्कल में एक दुकानदार चला गया। तो मंत्री महोदय जी, इस दिल्ली में जितनी भी राशन की दुकानें हैं, इन सभी राशन दुकानदारों को पुख्ता संसाधन उपलब्ध कराइए ताकि ये स्वयं भी कोरोना से सुरक्षित रह सके। और आप प्रेस रिलीज जारी जब करते हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करके आपसे कहता हूं कि आप प्रेस रिलीज जब जारी करते हैं तो आपकी सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि विभागों में कुछ अफसर ऐसे हैं जो आपकी सरकार की घोषणाओं को फेल करने में लगे हुए हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सर्कल 32 उत्तम नगर, गलत कागजों पर अभी एक दुकान रिन्यूअल हुई, यानी कि लाइसेंसी का आधार कार्ड दिल्ली से बाहर का है और लाइसेंसी का पहचान पत्र भी दिल्ली से बाहर का है। जब वह रिन्यूअल कराने के लिए सहायक आयुक्त कार्यालय में जाता है तो सहायक आयुक्त कार्यालय उसके पहचान पत्र और आधार की जांच करते हैं, जो एक दिल्ली से बाहर का होता है और पहचान पत्र बंद होता है, पुराना होता है, जो दिल्ली में नहीं चल रहा, खत्म था दिल्ली का पहचान पत्र। सहायक आयुक्त महोदय उस दुकान को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर देते हैं और अन्य दुकानों पर कार्ड लिंक के लिए सर्कल कार्यालय से प्रपोजल चला जाता है। 5 दिन के अंदर दिल्ली में उस लाइसेंसी का पहचान पत्र बन जाता है। बड़े ताज्जुब की बात है, आम पब्लिक को एक एक साल हो गया है उनके पहचान पत्र नहीं बने, लेकिन 5 दिन में उस लाइसेंसी का दिल्ली का पहचान पत्र बन जाता है और सेटिंग राज के चलते वो कार्ड दूसरी दुकानों पर लिंक नहीं होते और 5 ही दिन में वो दुकान पुनः बहाल हो जाती है। सब टेबल के नीचे का खेल है मंत्री महोदय जी। मैंने जितनी बात कही है मैं उन्हें साबित कर सकता हूँ। आपसे आशा करता हूँ मंत्री महोदय जी, आप अपने विभाग के अधीन आने वाली, अपने मंत्रालय के अधीन आने वाली इन राशन की दुकानों का उचित ध्यान रखें, इनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना आप भी करें और आम जनता को नियमित राशन मिले उसके लिए दुकानों को नियमित खुलवाएं, तब होगा आपका समाज के प्रति, आपका जनता के प्रति सच्चा प्यार। और महज अखबार में न्यूज छपने से कुछ नहीं होना, महज अखबार में न्यूज छपने से मंत्री महोदय जी कुछ नहीं होगा। मैं आपको पुनः आग्रह कर रहा हूं, आप आइए, मैं आपको दिखाऊंगा क्या हो रहा है आपके विभागों में, वो चीज दिखाऊंगा जिनको देखकर आप स्वयं हैरान हो जाएंगे। और अगर आप उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो बड़े बड़े अधिकारियों को नपते हुए दिखा दूंगा, मैं सस्पेंड होते हुए दिखाऊंगा अगर आप उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो। क्योंकि कोई भी फर्जी राशन कार्ड कोई दुकानदार नहीं बनाता है, दुकानदार के पास कोई पावर नहीं है राशन कार्ड बनाने की, दुकानदार के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि एक कार्ड में 8 लोगों का नाम और वो 4 लोगों को राशन दे। ये सारा खेल आपका डिपार्टमेंट रचता है, आपका विभाग के अधिकारी रचते हैं। मैं इसका खुला उदाहरण आपको दिखाऊंगा विद सबूतों के, आप आइए मैदान में, मैं दिखाऊंगा आपको। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को ठंडे दिमाग से सुनेंगे और सोचेंगे और मुझसे कही हुई एक एक बात पर अमल करेंगे। मैं आपको सारे सबूत दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, हम देखते हैं फिर आप कैसी कार्रवाई करते हैं, आपकी दिल्ली सरकार क्या कार्रवाई करती है।
ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं आपको पर्सनली भी भेजूंगा मंत्री महोदय जी, ताकि आप इसे देख लें, क्योंकि इससे पहले मैं आपको कई मेल भेज चुका हूँ, आज तक आपके विभाग ने मुझे एक भी मेल का जवाब नहीं दिया। और आपके माननीय अरविंद केजरीवाल जी तो अक्सर कहा करते थे कि वो हर मेल का हर आदमी की बात सुनेंगे, हर आदमी की आवाज़ को सुनेंगे। मैंने आपके मुख्यमंत्री महोदय माननीय, आपके क्या मेरे भी हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे भी हैं, मैंने अपने मुख्यमंत्री लाडले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी इस विषय में कई मेल भेज रखी हैं, लेकिन आज तक उनके कार्यालय से एक भी मेल का जवाब नहीं आया। तो कभी कभी लगता है कि ये जो खेल चल रहा है इस खेल को दिल्ली सरकार का भी आशीर्वाद है, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है, क्योंकि कार्रवाई ना होना इस ओर संकेत करता है कि दिल्ली सरकार का भी इस पर आशीर्वाद है। वरना विभाग के अधिकारियों की क्या हिम्मत है कि वो बोगस कार्डों को चालू कुने कर दें, वरना विभाग के अधिकारियों की क्या हिम्मत है कि वो अपनी ड्यूटी निष्ठा और ईमानदारी से ना निभाएं, क्षेत्र में दुकानें कैसे बंद हैं। लेकिन उन्हें पता है कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं करेगी, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। मित्रों, रोज आता हूँ आप लोगों के बीच में अपने विचार लेकर, अपने एक एक विचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ जो का है। आशा करता हूँ आपको हमारे विचार अच्छे लगे होंगे। अगर हमारे विचार अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस छोटे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद मित्रों।